गुड इवनिंग एवरीवन मीडिया न्यूज़ दिखा रहा है कि रिट की वजह से काफ़ी बच्चे अवसाद में जा रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि ये वक्त वो है जब हम युवाओं को डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है या किसी तरह के अवसाद में जाने की ज़रूरत है आपकी जितनी तैयारी होनी थी वो तैयारी हो चुकी है अब ज़रूरत है कि आप खुद को कितना बैलेंस्ड रख पाते हैं अगर आज आप अपने आप को बैलेंस्ड नहीं रख पा रहे हैं तो इसका मतलब एक शिक्षक बनने के बाद जब बहुत ज़्यादा दबाव आएगा आप सरकारी क्षेत्र में शिक्षक बनेंगे आपके ऊपर कई तरह के प्रेशर काम करेंगे तो उस समय आप खुद को कैसे मैनेज करेंगे दबाव को झेलना ये एक शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है और आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का चयन होगा और क्यों ना हो आपने काफ़ी मेहनत की है अब अगर आपका चयन नहीं होता है तो उसके दो ही निहितार्थ हैं पहला ये कि आपकी मेहनत में कमी है और दूसरा ये कि अगर मेहनत बराबर है तो फिर आपके संयम आत्मसंयम में कमी है आप खुद की भावनाओं को खुद के फिजूल डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे देखिए यह सच बात है कि ये एक बड़ी परीक्षा है जिसमें लाखों कैंडिडेट बैठेंगे ये आपके भविष्य का भी सवाल हो सकता है मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ मैं मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोचिए कि अवसाद में जाने से समस्या का हल मिलता है क्या आप खुद सोचिए बल्कि इसका और नकारात्मक असर यह पड़ेगा कि जो चीज़ें आपको आती है परीक्षा हॉल में आप उन्हें भी सही नहीं कर पाएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ कैंडिडेट्स लगातार मैसेज करके बता रहे हैं कि सर अच्छी तैयारी थी लेकिन जब भी मॉक टेस्ट में बैठता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं होती और मैं बढ़िया स्कोर नहीं कर पा रहा हूं मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है आप बस रिवीजन पे ध्यान दें जितना ज़्यादा आपका इस मार्च एंडिंग और अप्रैल के अंदर आपका रिवीजन होगा आपकी स्कोरिंग उतनी बढ़िया है आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए ये कोई मुख्य परीक्षा नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट देना है और आपको लेखन का अभ्यास करना है ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा है सिर्फ आपको गोला भरना है सही उत्तर का पता लगा के तो किसी तरह की इस तरह के जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं इस इन इन अटैम्प्ट की जरूरत नहीं है रिविज़न करें आप लोगों ने कहा कि मॉडल टेस्ट पेपर मैं बनाऊँ हालांकि मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ लेकिन मैंने इसको एक नए तरीके से सोचा मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको मॉडल पेपर पेपर के नाम पर आ, बहुत सारे तथ्यों से परिचित करा दिया जाए इस उद्देश्य से मैं हर टॉपिक के ऊपर पंद्रह से सोलह प्रश्नों का एक सेट बना रहा हूँ जो डाल दूँगा लेकिन पुनः कहूँगा कि उसको सीरियसली ना लें उसका मकसद आपकी मार्किंग चेक करना नहीं है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको विभिन्न तथ्यों के बारे में पता आ, बताया जा सके फॉर एग्जाम्पल आज जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर या जो प्रश्नों का सेट बनाया है उसमें सिर्फ 16 प्रश्न है लेकिन आप अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो उसमें 50 प्लस क्वेश्चन है बहुत सारे तथ्यों को गूंथ कर मैंने एक सवाल बनाया है ताकि जब आप एक सवाल अटैम्प्ट करो तो काफ़ी सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हों मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको तथ्यों से परिचित कराना है आप इसको एग्जाम का प्रेशर मत समझिएगा और एक खास चीज़ जो आज मैं कहना चाहूँगा क्योंकि अवसाद में जाने वाले जो हमारे युवा हैं इसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है कुछ हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर बैठे हैं वहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब जबकि परीक्षा होने की घड़ी है इस समय उनके ऊपर बहुत तरह का प्रेशर है मॉक टेस्ट में स्कोरिंग अच्छी नहीं है तो उनके ऊपर प्रेशर है कोई ऐसा टॉपिक सिलेबस का है जो उनका अब तक कवर नहीं है वो उनके ऊपर प्रेशर है और इसके अलावा बहुत सारे अन्य ऐसे दबाव हैं जो वो खुद अपने दिमाग पर बना लेते हैं फिलहाल आप तमाम तरह के प्रेशर से दूर रहिए मैं खुद जानता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो कहने में बड़ा आसान है लेकिन व्यवहारिकता में प्रेशर से दूर रहना ये एक चैलेंज है और आपको इस चैलेंज को ले चलना पड़ेगा याद रखिए आप सरकारी विभाग में शिक्षक बनने जा रहे हैं सरकारी शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने जा रहे हैं और एक सरकारी शिक्षक को कई तरह के दबावों से जूझना आना चाहिए अगर आप इसमें पूरी तरह सफल नहीं होते हैं तो फिर सोचिए कि जब चयन हो जाएगा उसके बाद आप किस तरह के हालात में होंगे तो प्रेशर को हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी है और आपको इसे सीखना होगा अदरवाइज़ आपको ये नुकसान हो सकता है कि बहुत सारे आए हुए प्रश्न या ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप उन्हें ढंग से नहीं कर पाओगे बाद में एक और चीज़ जो हमें आज समझनी होगी खासतौर से उन लाखों अभ्यर्थियों को समझनी होगी कोई भी प्रश्न कभी किताब से बाहर नहीं आता है प्रश्न की प्रकृति बदल सकती है शब्दों का जो उसमें हेर फेर किया जा सकता है लेकिन तथ्य कभी नहीं बदलते हैं तो आप अपनी किताबों को ढंग से रिवाइज करें उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छा परिणाम आपका रहेगा लोगों की बातों में ना आए कि अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी मार्किंग डाउन हो जाएगी फलाना काम नहीं करेंगे तो मार्किंग डाउन हो जाएगी ये वाला पेपर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो मार्किंग डाउन हो जाएगी फलाना मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो मार्किंग डाउन हो जाएगी कुछ नहीं होता है इससे मार्किंग तभी डाउन होगी जब आप अपने दिमाग पर से नियंत्रण खोदोगे बाकी आपकी मार्किंग डाउन नहीं होगी मार्किंग सिर्फ तभी डाउन हो सकती है जब आप अपने आप को अपनी भावनाओं के सुपुर्द कर दें तब आपकी मार्किंग डाउन हो सकती है मार्किंग तभी डाउन होगी जब आप खुद प्रेशर में आ जाएंगे और याद रखिए जो आदमी खुद प्रेशर में आता है ना उसका निराकरण वो भी नहीं करता है तो हमें ऐसा नहीं करना है आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है आपने पेडोगोलॉजी पढ़ी है पेडोगोलॉजी को आप जानते हैं इसको विषय में रखने का औचित्य क्या है सिर्फ इतना सा है कि आप क्रिएटिविटी के रास्ते पर चल पड़े आपके सामने नई नई स्थितियाँ आएँ और आप उनका क्रिएटिव समाधान ढूंढ सकें बस यही तो वजह है तो आज आप सोचिएगा जरूर इस वीडियो के बाद में कि हम क्यों प्रेशर में आ रहे हैं आपको उसकी वजह ढूंढ निकालनी है और अगर आप जो वजह ढूंढ निकालते हैं वो इस एक कैटेगरी में आ रही है कि लोग कहते हैं या आ, अमुक कैंडिडेट ने कहा उसने इतने पेपर अटैम्प्ट किए थे उसकी इतनी स्कोरिंग थी तब जाकर रिट में इतनी स्कोरिंग हुई और इस तरह की तमाम बकवास जो भी बातें हैं आप उन पर ध्यान देना अगर चाहते हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लाड़ी मान रहे हैं आप अपना ध्यान का दायरा शून्य कर लीजिए ज़ीरो कर लीजिए ध्यान का दायरा ज़ीरो करने का मतलब है कि आपका फोकस सिर्फ आपके किताबों पर हो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका फोकस सिर्फ आपके उस क्वेश्चन पेपर पर हो कौन क्या कह रहा है कौन क्या सलाह दे रहा है कौन क्या आपको बताना चाह रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और लास्ट मोमेंट पे जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं ना वो के बल गिरते हैं आप जिस भी स्ट्रेटजी से चल रहे हो उसको मेंटेन रखिएगा परीक्षा तक अंतिम समय पर आकर आप स्विच ओवर करने का प्रयास करेंगे तो इसके खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा परिणाम घातक हो सकता है आज की वीडियो में कुछ कड़े और कड़वे शब्दों का प्रयोग किया हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन ज़रूरी था मेरा काम सिर्फ ये है कि एक बार आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट करें और ये देखें कि क्या मैं किसी किस्म के प्रेशर में हूँ अगर हूँ तो उसकी वजह क्या है आप पाएंगे कि 99.99 परसेंट .99 जो आपका प्रेशर है वो फिजूल है आपके दिलो दिमाग में डर बैठा दिया गया है वो डर चाहे आपके पेरेंट्स ने बिठाया हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बिठाया हो चाहे आपके पड़ोसियों ने या आपके साथियों ने लेकिन आपके दिलो दिमाग में ये डर बैठ चुका है कि सफलता बहुत मुश्किल है मेरी तैयारी सफल लोगों की तैयारी जैसी नहीं है और ये डर योग्य को भी अयोग्य कर देता है आप जानते हैं ना जब किसी बाज को लंबे समय तक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उड़ना भूल जाता है वो जबकि बाज जैसी उड़ान किसी पक्षी की नहीं है तो आप भी अपने आप को किसी संकुचित दायरे में न बांधें दिलो दिमाग को मजबूत रखें आंखें हमेशा खुली रखें और तथ्यों को देखें फैक्चुअली जो हो रहा है ना उसको देखें हाइपोथेसिस पे ध्यान न दें कि ये हो सकता है वो हो सकता है और कुछ नहीं होता है आशा है आप समझ गए होंगे जय हिंद